कोई बोलना पड़ता बाबा जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम महंत बृहस्पतगिरी है। बाबा जी, क्या प्रकरण है, जमीन का क्या मसला है? ये सुरेश शर्मा नगर चौराहे के पास हमारी जमीन है मंदिर की, वो इस पे कुछ भूमाफिया लोग निर्माण कर रहे हैं, इस पे बारात घर बना रखा है धर्म की संपत्ति पर, और वो बार बार हमको परेशान धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से ना हटे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, महंत धर्मगिरी की तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। तो लगातार धमकी देते हैं हमको, और आने जाने में भी रास्ता घेरते हैं, कोर्ट कचहरी जाने पे भी धमकी देते हैं। कौन दे रहा धमकी? ये इंद्रपाल हैं और आत्मानंद हैं, आत्मानंद के लड़के हैं, और उनके साथ में कुछ अन्य लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं रास्ते से हट जाओ, मुकदमा वापस ले लो, वरना धर्मगिरी की तरह तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। अच्छा, तो इनसे भारी हमारी जान मान को इनसे खतरा है, ये कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं, और यहाँ इनसे ये जमीन मुफ्त कराई जाए, भगवान की जमीन है, और ये प्रश्न समझकर बारात घर बना रहे हैं, और किसकी परमिशन से बना रहे हैं। 96 में जिला जज ने आर्डर किया था इन पर कि आप जमीन की केवल देखभाल कर सकते हो, नहीं तो किराए पर दे सकते हो, ना पट्टे पर दे सकते हो, ना इस ज़मीन को बेच सकते हो, ना इसकी नियत बदल सकते हो। उसके बावजूद ये जिला जज का आर्डर ध्यान में ना रखते हुए उसको अवैध कब्जा कर रहे हैं, और भूमाफिया जी हैं वो बार बार हमारों को छवि बेकार करते हैं कि ये वो हैं, फर्जी हैं कि ढिमका है, दुनिया भरे की बात करके, और ये अधिकारियों को गुमराह करना चाहते हैं, और हमारी संपत्ति पे सरकार बुरी नज़र है। किसी भी संपत्ति है अभी इस वक्त यहाँ लगभग 28 बीघा ज़मीन है, कुछ अंदर पड़ी है शहर में, कुछ यहाँ 6-6.5 बीघा का प्लाट हमारे अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत करी? हाँ साहब, हमारा अदालत में मुकदमा चल रहा है इसमें, और बराबर हम कानूनी संघर्ष इसमें कर रहे हैं अपना। आप इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भूमाफियों से मुफ्त जमीन कराई जाए, पहले तो ये बारात घर खाली कराया जाए, और आत्मानंद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।